एक गाइस, हम लोग महाकाल का दर्शन करने के बाद आ गए हैं काल भैरव बाबा का दर्शन करने। काफ़ी बहुत ज़्यादा धूप है, गर्मी है, लेकिन ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, पता नहीं चल रहा है। और यहाँ पर हम सब लाइन में लगे हुए हैं, सब लोग पीछे हैं, देख सकते हैं, सब छितिर बितिर। हर महादेव, हर महादेव, हम भोले, हम भोले। और बहुत ज़्यादा बाबा से मौसम चेंज कर दे, अब ना बोलेंगे वैसे मना के, जहाँ तक हमको क्या पता कि यहाँ भी आना पड़ता है, यहाँ के लिए नहीं बोले थे। मोड़ है ना, यहाँ कैसे लेंगे, चलो चलो। तो सब देखिए लाइन में लगे, बस सब लोग धीरे धीरे लाइन में, लेकिन मोड़ बहुत ज़्यादा है, चार पांच राउंड हम लोग को घूमना पड़ रहा है तब जाकर बाबा का दर्शन मिलेगा। कहते हैं कि ना, अरे काल भैरव बाबा का दर्शन करने के बाद भैरवनाथ का जरूर अरे दर्शन करना चाहिए, तभी मनोकामना पूरी होती है। वैसे मनोकामना क्या है, बस बाबा हमको बुलाते रहें, शक्ति देते रहें, हिम्मत देते रहें। और आप लोग भी बाबा का दर्शन करिएगा, देखिए मंदिर वहाँ पर है, और आप लोग भी आइएगा जरूर, एक बार जरूर उज्जैन आइएगा, दर्शन जरूर करिएगा। इनका तो बुरा हाल है, बेकार है। हे गाइस, ये देख सकते हैं हम लोग ओंकारेश्वर महादेव का दर्शन किए थे। ये बाबा यहाँ पर हैं, और ये देखिए नाग देवता बाबा इधर हैं। तो ये भोले बाबा का हम लोग अच्छे से दर्शन कर लीजिए, आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं। बोलिए जय जय भोले। यही दिन में होता, हम लोग फोटो वीडियो बना के दिखाते हैं अच्छे से। यही का ना शिवलिंग निकाला जाता है, यही नर्मदा का शिवलिंग, बड़ा शुभ माना जाता है, अच्छा यही का सबसे। मैं बोला ले लो, यही तो लोग लेके जाते हैं। तो गाइस, यहाँ पर देखिए हम लोग ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर आ गए थे, और सब लोग अपना कई ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर चुके हो? तीन तीन हम भी कर चुके हैं, काशी विश्वनाथ, उज्जैन, यहाँ पे सीहोर। हम तो गए हैं पहले, सीहोर के नहीं गई, सीहोर का भी माना जाएगा कुछ दिन के, आज की बात हो रहा है अभी की। तो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुबह का टाइम हो गया है, और हम लोग निकल गए, कहाँ से निकल गए, भगवान का दर्शन करके जहाँ आए थे। और ये कहाँ पहुँचे हैं, कुछ पता है आपको? जगह लिखा हुआ है एमपी में, ये है एमपी में, तो है कि यहाँ एमपी का नाम बेयोरा लिखा हुआ है, बेयोरा लिखा है, बेयोरा। हाँ, जो भी है यहाँ की तो कमेंट करिए। अब यहाँ से हम लोग का दिल्ली कितना दूर है। सब लोग देखिए वाशरूम वगैरह, अब बस उधर खड़ी हुई है। मौसम बहुत अच्छा है, और ठंडा ठंडा मौसम है, कूल कूल, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हम लोग दो चार दिन और रुके, दो चार दिन और रुके। सही बात, रुकना चाहिए, ठंडा। चलो चाय पी लेते हैं, क्या करें, दो चार दिन, लेकिन ब्रश कर लेते यार, मुँह तो धोए हैं, निकालना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, चाय पी लेते हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, फिर मिलते हैं। आप चाय कितने का? 20 का, बढ़िया है चाय। तो गाइस, यहाँ पर सबका जो बैग वगैरह रखा हुआ है, देखिए सब तू ले आए थे, आए हम जानते, ग्लूकोंडी वगैरह लाए थे, सब ऐसे रखा हुआ है, टाइम ही नहीं मिल रहा है कुछ चीज़। मुझे बता, ग्लूकोंडी कैसे पी लोगी, बताओ। पीने वाली बात नहीं है, पानी बस में गरम गरम मिल रहा है, पानी लेकर रखते हैं तो ठंडा गरम हो जाता है, ठंडे पानी में। चलो जल्दी आओ, चलो यहाँ पर ब्रश मंजन निकाल लिए हैं, चलो सोनो तुम भी निकाल लो अपना, यहाँ पर घास के लेकर आए थे, कुछ नहीं यूज हुआ। देखिए चलो चलो, सोनाक्षी ब्रश मंजन कर लो। तो यहाँ पर नाश्ता करने के बाद सब लोग बैठ गए हैं बस के अंदर। और भैया कैसे चल रहा है दिन आपका? दिन अच्छा नहीं चल रहा, साढ़े सात ही चल रहा है क्या?
मोनिका जी सारे साथ ही होकर बैठी हुई है। नहीं, साढ़े पांच उधर बैठे हैं दो। गौतमपुर नगर में तो बड़े के बाद है ऊपर पहुंचा दी। अच्छा, मोदी सरकार। हम लोग वोट उन्हीं को दिए थे, मोदी जी को। मुझे तो पता है, मैं तो इसी दिन बताई थी। हम लोग खास कर इसी जो सही है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी बने। कदम मेकअप हो रहा है कहाँ पर? हाय गाइस, उधर मेकअप हो रहा है भाई। कैसे दिखाऊं, मैं यहाँ बैठी हूँ, दिखा दो मेकअप हो रहा है। बस वो लोग भी मुरझाने के काम कर रहे लोग अपने पति का। अरे भाई यार, कैमरा के सामने नहीं कर रहे, मुझे पता है। इतना सुबह सुबह कौन मेकअप करता है? पति को बाहर खड़ा कर दिया, बताओ मेकअप के चक्कर में। वो सोच रही है कि उनके ऊपर सारे साथी ना आ जाए, इसलिए मेकअप। असलियत में पता चल गया। अरे मैं डर के मारे खड़ा हूँ भाई, पकौड़े आधे खा गया, हमको मारना पड़े उधर, बस इधर खड़ा हो। इतना खौफ है आपको? खौफ तो सब तरह था भाई। कौन सा खौफ? मैंने खौफ का ऐसा नहीं है। जब पार्वती जी से शंकर जी खौफ खा सकते हैं, तो हम लोग तो इंसान है। मेरा पति मेरा देवता है। नहीं, देवता नहीं है, बस मेरा पति मेरा पति ही है। देवता तो भगवान ही होते हैं। अभी आप बोल दो ये काम करना है, आप अगर बोल दो, अगर वो कह दे कि हम ना करेंगे, ऐसा हो सकता है? सही लगेगा वही करेंगे। नहीं, जो करने लायक रहा करेंगे। जो आप बताओ, जो मेरा पति परमेश्वर नहीं है। हाँ। सूर्य का परीक्षा लेके आओ। दसा बीवी भी कोई गलत काम करने के लिए थोड़ा ना बोलेंगी, जो बोलेंगे तो गलत काम था कि नहीं था। ऐसे लोग जो तीनों लोगों को स्वामी है। देखो, अगर आदमी किसी तो गाइस, हम लोग अब निकल गए हैं। देखते हैं कहीं पर ढाबे पे रुकेगी तो नहाना धोना हो जाएगा। अब देखो रात में कब पहुंचते हैं, और रात का टिकट है दिल्ली जाने के लिए। कोच लग गया था क्या? नहीं, कोच ना कुछ लगा ही है। जलेबी का सीधा लग गया हुआ लेकिन जब गंगा तुम लोग रात को पहुँचे थे इलाहाबाद ना, गंगा में नहाएंगे। हमारे ससुराल में कभी नहीं गए नहाए आज तक। मैं तो जब कोई काम रहता है तभी जाती, मैं ऐसे नहीं जाती। और क्या मम्मी, तुम्हारा इनका बाल एक ही जैसा है, छोटा छोटा। हम लोग अगले जन्म में बहन थे ना, इसीलिए बाल छोटा छोटा है। तो गाइस, हंसी मजाक होता रहता है। ये वाला वीडियो यहीं से एंड करते हैं। वीडियो पसंद आती है लाइक कमेंट से जरूर करना। हाँ, जो किसी ने बताया नहीं कैसा सफर रहा, सफर का ज्यादा अच्छा वीडियो बनाकर डाले। नहीं, ऑडियंस नहीं बताया ना कि तुम लोग को कैसा लगा। मैंने ज्यादा क्लिप करके शूट नहीं किया क्योंकि बाहर का नेट वगैरह दिक्कत थी। ये बोल रहे हैं कि ऑडियंस अच्छा कहेगी, और हर चीज मैंने नहीं शूट किया, इसलिए नहीं शूट किया क्योंकि पता नहीं क्या हो गया था कि कहीं मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था। इसकी वजह से बाद में अपना फीलिंग बताएंगे। वीडियो खूब प्यार सबको बनाने के लिए।